अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शोएब मंजूर और पार्ट नंबर 25 में खुश आमदी कहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास आया था कि हमने फंड्स ऐड करने हैं, तो यहाँ पर आएँ और ऐड फंड्स के बटन पर क्लिक करें आप। तो यहाँ पर फंड्स ऐड करने का तरीकाकार बताया हुआ है। जो पाकिस्तान के में रहते हैं वो ईजी पैसा मोबी कैश और बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। इजी पैसा के लिए उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर कर सकते हैं। इजी पैसा अकाउंट नंबर दिया हुआ है और अकाउंट तनवीर हुसैन के नाम पर है। मोबी कैश अकाउंट नंबर दिया हुआ है और अकाउंट जो है मोहम्मद शोएब के नाम पर है और एचबीएल अकाउंट दिया हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अकाउंट में 5000 डिपॉजिट हो, तो सिंपल जो गया आपने क्या करना है कि आपने इसके अंदर जो गया 5000 डिपॉजिट करवा देना है। और जैसा कि आपको पता है कि सारा काम जो है ट्रांसैक्शन आईडी से होता है, तो आपके पास जो है ट्रांसैक्शन आईडी होनी चाहिए। आपने सिंपल वो जो है शॉप वाले से करवाएं, खुद करें। ट्रांसैक्शन आईडी आपने कॉपी करनी है और सिंपल एक ईमेल करनी है आपकी। 2 मिनट्स में जो है जनाब आपके अकाउंट के अंदर वेरीफाई होने के बाद जो है डॉलर्स डिपॉजिट कर दिए जाएंगे। आपने क्या करना है, अपनी कोई भी ईमेल से ईमेल करें और ईमेल आपने admin@shoaibhost.com पर करनी है, ठीक है। और आपने डिपॉजिट फंड्स लिख देना है या कुछ भी लिख दें। ये करने के बाद आपने नीचे अपनी ट्रांजैक्शन आईडी बता देनी है। एग्जांपल के मेरी आईडी है TRX, आगे कुछ भी लिख दें कि मैंने 5000 डिपॉजिट करवा दिया है, काइंडली वेरीफाई करके मेरे रिसेलर अकाउंट में डिपॉजिट कर दें। और नीचे जो गया आपने अपना जो रिसेलर अकाउंट है उसकी ईमेल डाल देनी है। रिसेलर अकाउंट ईमेल, जिस अकाउंट ईमेल के ऊपर आपका अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल पुट कर दूँगा shoaibumair786@gmail.com। ये करके आपने सेंड कर देना, ठीक। 2 मिनट के अंदर जो है आपका डिपॉजिट हो जाएगा। अदरवाइज आप फेसबुक पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से करेंगे तो ज़्यादा आपके लिए जो है सिंपल होगा और इजीएस्ट वे होगा। तो ये जो है मैं इनको ईमेल कर देता हूँ कि मैंने 5000 बोला। तो यहाँ पर एक डोमेन जो है हमको पड़ रही है 975। मैं यहाँ पर इनको ना 1000 डिपॉजिट करने का बोल देता हूँ, ठीक है। अभी इनको ईमेल जाएगी जो जो है मेरे अकाउंट के अंदर 1000 वेरीफाई करके डिपॉजिट कर देंगे। तो डिपॉजिट होने के बाद इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम किस तरह से जो है डोमेन वगैरह बाय कर सकते हैं। तो ये जो है मैंने इनको ईमेल सेंड कर दी है। अभी जो है हमारे अकाउंट में जैसे ही डिपॉजिट होंगे तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। अब जो है मैंने ईमेल की और मेरे अकाउंट में जो है 1000 रुपये डिपॉजिट हो गया। तो आपके सामने है कि 1000 जो है, एक सबसे मिस्टेक मैंने ये की कि जब आपने अकाउंट साइन अप करना है अपना रिसेलर अकाउंट, डोमेन रिसेलर अकाउंट, तो वहाँ पर जो है मैंने एक मिस्टेक की कि मैंने जो है अपनी प्राइसेस जो है यूएसए डॉलर में चूज़ कर ली। अगर आप पीकेआर में करना चाहो तो आप पीकेआर में भी कर सकते हो, क्योंकि 1000 रुपये डिपॉजिट करने पर यूएसए डॉलर में जो है 9.49 आते हैं, जो डॉलर का रेट चल रहा होता है। इसको हम चेक भी काट सकते हैं, डॉलर्स इनटू पीकेआर। तो यहाँ पर 1000 रुपये मैंने डिपॉजिट करवाया तो ये 9.49 बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है जब आपने करना है तो इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। खैर, इसको कट कर देते हैं, डॉलर में भी अमाउंट जो है ठीक है। अब हमारे पास जो है हमें रिसेलर भी मिल गया, ये साथ में कनेक्ट भी कर दिया, सारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो है दूसरा ये है कि आपको ईमेल भी आएगी कि आपका जो है पेड आपने कर दिया और आपने इतने डॉलर जो है वो डिपॉजिट आपके हो गए हैं। यहाँ पर जो है आपको ये ईमेल आई होगी, मेन वाली ईमेल जो होती है ये वाली होती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम जाते हैं और जनाब जो है अब यहाँ आकर हम क्या करते हैं, हम इसका क्लाइंट एरिया ओपन करते हैं। जिस तरह से शोएब होस्ट के ऊपर होता है कि वहाँ पर हम कोई पैकेज जो है $16 वाला जैसे साइन अप करते हैं,
ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ये हमारे जो गए यहाँ पर पैकेजेस पड़े हुए हैं शेयर्ड होस्टिंग के, ठीक है, और shoaibhost.com। अब ये $16 वाला पैकेज पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये तो एक बनी बनाई साइट है, मैंने उमेर होस्ट भी बनाई थी, फिलहाल वो डिलीट कर दी। यहाँ पर जो है इस तरह से आप साइन अप करते हैं तो आपके पास आता है कि यहाँ पर अपनी डोमेन वगैरह एंटर करें, आगे का प्रोसेस जो है चल पड़ता है। अब हम एक मुकम्मल पैकेज $16 वाला बनाते हैं, जिस तरह से एज अ मैं क्लाइंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं शुएब मंजूर से जो है $16 का पैकेज लेना चाहता हूँ, तो ये पैकेज का लिंक है, ठीक है, ये जो आप अपनी मेन साइट के ऊपर लगाओगे तो इस तरह से आ गया, ये लिंक है। अब यहाँ पर आकर मैं अपनी डोमेन जो है वो यहाँ पर पुट करूँगा, जो डोमेन जो है मुझे चाहिए, ठीक है, यहाँ पर .com भी है, .xyz भी है, और .biz भी है, .org भी है, तो मैं .com जो है यहाँ पर सर्च करता हूँ एग्ज़ाम्पल के। यहाँ पर मैंने एक डोमेन सर्च की है जो कि है youtube92.com, ये नीचे बता रहा है कि ये अवेलेबल और $15 में है, ठीक है, क्योंकि ये प्राइसेस जो है हमने WHMCS के अंदर सेट की थी, यहाँ पर जाकर सेटअप में गए थे और यहाँ पर डोमेन प्राइसिंग में, तो यहाँ पर आपने ये जो है $9.99 आप कर देना, ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पर ओपन प्राइसेस करता हूँ, मैं यहाँ पर 9.99, क्योंकि 8 पॉइंट कुछ की आपको पड़ रही है तो आप इतने की जो है नॉर्मल पाकिस्तान में इसकी सेलिंग होती है। ओपन प्राइसेस, सेव चेंजेस, अब इसको रिलोड करते हैं ज़रा। अब यहाँ पर youtube92.com, तो सॉरी 82 नहीं 92, अब यहाँ पर इसको हमने कंटिन्यू कर देना है, ठीक है, और ये बताया हुआ है कि $16 के वाला जो पैकेज है इसके साथ ये फ्री मिलेगा DNS मैनेजमेंट और ईमेल फॉरवर्डिंग, जो है आपको हमारा जो रिसेलर होगा वो फ्री में प्रोवाइड करता है, डोमेन रिसेलर। तो यहाँ पर $16 आ गया, चेकआउट के बटन पर आपने सिंपल क्लिक कर देनी है और अगला बंदा जो गया है वो सिंपल क्या करता है, आगे फॉर्म फिल करेगा, मैंने ऑलरेडी जो है वो किया हुआ है, पहले भी एक ऑर्डर किया था, मैं अपना जो है अकाउंट लॉगिन करूँगा और अकाउंट लॉगिन करने से जो होगा इसका प्रोसेस जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। अभी नेट जो है ज़रा स्लो चल रहा है, अब आगे हमारे पास जो है ये सारा फॉर्म फिल करना है हमने, और पेमेंट मेथड एक ही दिया हुआ है, और ऑलरेडी रजिस्टर के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ, शुएब उमेर 786, तो ये पैकेज जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, $16 का। अब ये बंदा जो है मुझे किसी भी पेमेंट मेथड के ऊपर पेमेंट करवा के वेरीफाई करवा देगा। अब इसने मुझे पेमेंट कर दिया और मैंने वेरीफाई कर लिया, अब इसका जो है ऑर्डर उसको मैं एक्सेप्ट कैसे करूँगा, ठीक है, ऑर्डर इसका डन कैसे करना है, ये ऑर्डर जो है हमें हमारे WHMCS के अंदर आ चुका होगा, ठीक है, इसको अगर आपने देखना है आप अपना WHMCS लॉगिन करेंगे, ये हमारे पास जो है एक ऑर्डर जो है ये वाला आ चुका है। अब इसको कैसे कंप्लीट करना है कैसे नहीं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, अल्लाह।